रेलवे का जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो फिजिक्स तो बाबू सारे इम्पोर्टेंट है, रेलवे के 5 चैप्टर पढ़ा रहे हैं हमको। इस 5 चैप्टर में पहला टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसमें तुम्हारे सारे चीज पढ़ाए जाएंगे, इतने हीट रिलेटेड है, सारे चीजों को पढ़ाए जाएंगे। पहला बात ये उठता है बाबू, हीट से तुमको क्या लगता है? तो हीट को हिंदी बाबू बोलते हैं ऊष्मा। क्या बोलते हैं बाबू? ऊष्मा। ऊष्मा, सुषमा नहीं, ऊष्मा। आप देखो इस हीट में पहला टॉपिक जो आता है वो आता है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल क्या आता है बाबू? टेम्परेचर स्केल। और टेम्परेचर स्केल मुझे क्या बताता है? तो ये बात भी जानना बाबू क्या है? जरूरी है कि टेम्परेचर स्केल हमको क्या बताता है। ये देखो ये बताता है तुम्हारा हॉटनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोल्डनेस यानी कहने का मतलब बाबू ये हो गया कि जो टेम्परेचर स्केल होते हैं वो मुझे बताता है कि कोई चीज कितना गर्म है और कोई चीज कितना ठंडा है। ये बाबू टेम्परेचर स्केल बताता है। हम जानते हैं तुम लोग बचपन से पढ़े होंगे, बचपन से नहीं मतलब जब 9th में गए होंगे तो 5 प्रकार के पढ़े होंगे कि 5 प्रकार के क्या होते हैं? टेम्परेचर स्केल होते हैं। जैसे पहला बाबू हम 3 पढ़ाएंगे, नहीं 2 बार पढ़ा चुका। हाँ तो 3 जो फेमस है देखो बाबू, 3 क्या है तुम्हारा? पहला इसको बन लेते बाबू सेल्सियस, बहुत फेमस नाम है बाबू सेल्सियस। दूसरा बाबू तुम्हारा हो जाएगा, दूसरा तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा? फॉरेनहाइट, ध्यान रखना फॉरेनहाइट। तीसरा बाबू हो जाएगा केल्विन। चौथा बाबू होता है रिमर। पांचवा होता है रैंकिन, ठीक है ना? तो अभी हमको ये नहीं पढ़ाना है, पढ़ा दे एक ही बार में सब, आराम से पढ़ा देते बाबू। देखो बाबू सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन तुम्हारा, ये तीनों का बाबू देखो नीचे लिखेंगे बाबू हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे बाबू? फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी बाबू क्या बोलते हैं हम लोग? जमाव बिंदु, जमाव बिंदु, जमाव बिंदु, ठीक है। सेल्सियस तो कितना डिग्री पानी जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जम जाता है। 0 डिग्री में पानी जमता है कि जमता है बोलो? तो पानी बाबू 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है। देखो बॉयल कितना पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसको बोलते हैं बाबू बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बाबू? बॉइलिंग पॉइंट। इसको हिंदी बोलते हैं क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। पहला बात आप देखो क्या है ना, जिस तरह सेल्सियस में पानी 0 डिग्री सेल्सियस में जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो इसी पे बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये 32 फॉरेनहाइट, अरे 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर पानी जमता है, जबकि तुम्हारा 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर पानी उबलता है। हो गया बात समझ में आ गया? देखो केल्विन बाबू क्या होता है, ध्यान रखना केल्विन जो तुम्हारे होते हैं ना उसमें डिग्री नहीं आता है, वो डिग्री वाले टॉपिक नहीं है। पहला बात ये बाबू तुम्हारा इतना क्या हो जाएगा? ये बाबू 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन तथा 373.15 केल्विन। यहाँ पे देखो ध्यान से, यानी कहने का मतलब हो गया कि केल्विन में बोलेगा तो पानी 273.15 केल्विन पे जमता है, 373.15 केल्विन पे उबलता है। पानी फॉरेनहाइट पे बोलेगा तो 32 फॉरेनहाइट पे जमता है और 212 फॉरेनहाइट पर उबलता है। सेल्सियस में बोलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। आया बात समझ में आ गई ये बातें? आप देखो बाबू इसी से फॉर्मूला बनाए जाते हैं, तो तुम फॉर्मूला पढ़े हो। ये फॉर्मूला देखो बाबू एक्चुअली क्या होता है जानते हैं? देखो बाबू सी एक जगह लिख देते हैं बाबू हम लोग, बीच में एफ है तो एफ लिख देते हैं, एफ माने फॉरेनहाइट, आप केल्विन लिख दिए बाबू, ठीक है ठीक है। आप बाबू सारे से हम क्या करते हैं? जमाव बिंदु को माइनस कर देते हैं। जमाव बिंदु कितना है तुम्हारा? 0। बाबू 0 माइनस कर दी। और इस दोनों में बाबू अंतर निकालते हैं, अंतर कितना है बाबू दोनों बताओ? 100 का अंतर नहीं है क्या? मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट अंतर कितना का है? 100 का। नीचे बाबू लिख देंगे 100, ठीक है। मिनिमम बाबू कितना है इसका? 32 माइनस करेंगे और दोनों में अंतर कितना का है बाबू? 180। बोलो अरे भैया दे है
के माइनस मिनिमम बाबू 273 273 बाबू लिख दा, 0.5 को छोड़ दे रहा, ठीक है, बटे बाबू कितना हो जाए तुम्हारा 100 हो जाएगा। और तीनों बाबू देखो ऐसे में एक ही चीज है ना, सब बाबू बराबर है, तो सारे बाबू लगा दिए बराबर, बराबर लगा दीजिए, लगाइए बोलो, लगा दीजिए बराबर। आप देखो बाबू जब सब बराबर बराबर है तो नीचे वाले सब तुम्हारे कट जाएंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये हो जाएगा। तो बाबू फॉर्मूला का निर्माण होता है सी बटे में 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे में 9 और तुम्हारा बाबू के माइनस 273 बटे में 5 हो जाता है। ये तुम्हारा बाबू फॉर्मूला हो गया, ये तुम्हारा रिश्ता हो गया, किसे किसके बीच बाबू हो गया सेल्सियस फारेनहाइट और केल्विन में रिश्ता हो गया। उमर और रैंक की तुमको पढ़ाई जाएंगे टेंशन नहीं लो, ठीक है। 0 से 80 होता है रिमर में और 492 से 672 होता है रैंकिंग में होता है, ठीक है पढ़ाएंगे बाबू टेंशन नहीं लो ना। चाहे CDS हो, चाहे तुम्हारा रेलवे हो, SSC हो, 10th बेस तक ही साइंस पूछे जाते हैं, इसे ऊपर साइंस नहीं पूछते, ध्यान रखना इसको। तो 50 डिग्री सेल्सियस को किसे बदलना है बाबू, हमको ना फारेनहाइट में बदलना है, किसे बदलना है बाबू फारेनहाइट में, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि 50 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना है। तो देखो सेल्सियस सी माने सेल्सियस और फारेनहाइट माने फारेनहाइट, दोनों में रिश्ता क्या है, देखो दो बस सेल्सियस को फारेनहाइट ले जाना है तो बस हमको 2 से मतलब रखना है, कितना से मतलब रखना है बाबू 2 से। तो देखो बाबू सी बटे में 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे में 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो ना, अरे होगा कि नहीं होगा बोलो, ये समझ में आ गया आपको। इसका जो सी का मान कितना दिया है 50, सी का मान कितना है 50, तो सी का मान 50 है तो सी की जगह 50 रख दो, तो 50 बटे में 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे में 9 हो जाएगा तुम्हारा, इसको पहले काटेंगे तो हो जाएगा 10, 10 नवा के 90 बराबर एफ माइनस 32, हाँ हो गया। अब देखो माइनस इधर है जाएगा तो जुड़ जाएगा बाबू 112 हो जाएगा, यानी तुम्हारा कहने का मतलब हो गया कि 50 डिग्री सेल्सियस 112 फारेनहाइट के बराबर हो जाएगा, ये समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया जी, नहीं समझ में आया 122 हो जाएगा बाबू, हाँ हाँ 122 हो जाएगा, तो तुझे बोला अब लिख दिया तो बाबू कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आया। देखो एक और देते हैं तुमको, जैसे तुमको बाबू हम दे देंगे फिर 120 डिग्री सेल्सियस को, अच्छा फारेनहाइट को बाबू चेंज कर देते हैं, जैसे बाबू तुमको बोलेगा क्या 98.6 फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, 98.6 फारेनहाइट को 98.6 फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, बताओ कितना बनाएगा, पहले सीखो। सेल्सियस में बदलना है 98.6 फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, 98.6 फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, इसको आप लिखने के पीछे कुछ लॉजिक है इसलिए इसको लिख के रखे हुए हैं। हो गया, देखिए भाई लोग 98.6 फारेनहाइट है डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो फॉर्मूला देखो दोनों में क्या होता है सी बाई 5 बराबर एफ माइनस 32 अपॉन 9। अब देखो इस बार बाबू एफ का बात दिया है तुम्हारे, इस बार एफ के बात दिए हैं, तो हमें क्या लिखना है सी बाई 5
और एफ एफ कितना दिया है 98.6 माइनस 32 अपॉन डाई लिखे। गेटिंग माय पॉइंट? सी बाई फाइव, अब हटाएंगे बाबू कितना जाए तुम्हारा, ये हो जाएगा 66, 66 ना, ये हो जाएगा बाबू अपॉन 9 हो जाएगा। इसको काट लूँ ना सर, कट देना चाहिए ना, नहीं काट देता भाई सीधे 363 नौ चौको 36। अब हम गुणा कर लेते हैं ना, आप क्या जाता है देखो, तो बाबू 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 7 5 35 37, बाबू हो गया बताओ। यानी हमारे स्वास्थ्य जो शरीर होते हैं वो कैलोरी बाबू कितने होते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। एक स्वस्थ मानव का शरीर का तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में 98.6 होते हैं, और केल्विन में, वो केल्विन में बोलेगा, केल्विन निकाल सकते हैं देखो, हाँ देखो 37 है तुम्हारा, 37 ना जी, आप देखो बाबू तो सिखा देते बाबू ना, बहुत सारे इसमें यूज हो जाते हैं। देखो बाबू यहाँ पे देखो, तो सी का मान 37 दिया हुआ है, ठीक है, केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन में बोलो सी बाय फाइव, केल्विन तुम्हारा यहाँ पे है, तो सी अपॉन फाइव बराबर के माइनस 273 बटे में 5 हो जाएगा, तो 5 से बाबू 5 कैंसिल हो गया, तो बाबू सी प्लस 273 बराबर के नहीं लिख सकते हैं बोलो, अरे सी का मान कितना दिया बाबू 37, 37 जोड़ेंगे 273 में, तो बाबू के का मान कितना दिया तुम्हारा, के बराबर 310 डिग्री, सॉरी केल्विन बाबू डिग्री में लिखाता है, केल्विन में नहीं लिखाता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। जैसे मैं आया लिखो पॉइंट, लिखो की पॉइंट लिखो, एक स्वस्थ मानव का तापमान, एक स्वस्थ मानव का तापमान, एक स्वस्थ मानव का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस / 98.6 फारेनहाइट, 98.6 फारेनहाइट / 310 केल्विन, यानी केल्विन में पूछेगा 310, फारेनहाइट में पूछेगा 98.6 हो जाएगा, ओके, और सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन लिखो, इसमें किस तापमान पर फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, किस तापमान पर फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस समान होते हैं, किस तापमान पर फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस समान होते हैं, आंसर -40 डिग्री, किस तापमान पर फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस समान होते हैं, आंसर -40 डिग्री। बोले सर ये क्या वजह, क्या आपको सिद्ध कीजिए, आप आपके कोचिंग पढ़ने तो सिद्ध करना पड़ेगा ना सब कुछ, और सिद्ध करने वाला बात नहीं है, फॉर्मूला आता है आप सिद्ध कर दीजिएगा। देखो बाबू बढ़ाए, हाँ बढ़ाए, सिद्ध होते हैं, बता देते बाबू क्या, सी बाय फाइव, देखो बाबू सी बाय फाइव हो गया बराबर एफ माइनस 32 बटे में 9 हो जाएगा। तो बोला है क्या, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं, यानी बस सी और एफ बराबर है कि नहीं बोलो, कोई तापमान है जिसके बराबर है, तो सी बराबर एफ बराबर बाबू एक्स मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्या कहते हो, मान लिए एक्स, अब सी के बराबर एक्स लिख देंगे बोलो 5 नहीं हो जाएगा बराबर, एफ का मान कितना है एक्स है, 32 बटे में 9 नहीं हो जाएगा बोलो, क्रॉस गुणा करते हैं 9x बराबर 5x माइनस 160 हो जाएगा, इधर जाएगा बाबू 4x बराबर माइनस 160 हो जाएगा बोलो, काटेंगे x बराबर माइनस 40 नहीं आ रहा है बोलो, तो समझ में आया, चलो देखो बाबू जनरली ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, एक बार इसी में क्वेश्चन घुमा के पूछता है, घुमा के क्या पूछता है ये भी देख लेते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल बस चैप्टर फर्स्ट, न्यूमेरिकल के बिना
फिजिक्स अधूरा है। देखो क्वेश्चन, दो वस्तुओं के ताप का अंतर, दो वस्तुओं के ताप का अंतर 50 डिग्री सेल्सियस है। दो वस्तुओं के ताप का अंतर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो वही ताप का अंतर फॉरेनहाइट में क्या होगा? तो वही ताप का अंतर फॉरेनहाइट में क्या होगा? देखो बता दूं क्या? देखो बता देता हूँ। देखो मेरे भाई लोग, पहले देखो, अरे जानते हैं तुम लोग तेज है, तो इसको बाबू छोड़ने के पीछे की लॉजिक है, इसलिए उसको छोड़े साफ नहीं कर रहे हैं। किसी को जो सॉल्व करने के लिए आप लिखे हो, आप देखो बाबू फिजिक्स में डेल्टा का मतलब बाबू क्या होता है, ना केमिस्ट्री बाबू क्या होता है, उष्मा, हीट है ना। तो डेल्टा टी टेम्परेचर बाबू है, डेल्टा टी लिखा गया ताप का अंतर लिखा हुआ है, कितना कतर दिया हुआ 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही ताप का अंतर हमको बाबू किसमें निकालना है, फॉरेनहाइट में निकालना है। थोड़ा सा बाबू सोचेंगे, मर गया, थोड़ा सा बाबू सोचेंगे इस पे। तो वहाँ लोग दो तरीके से बना सकते हैं उसको। ए बाबू देखो, मेरे 50 है ना, तो कोई दो का बार सोच लो तो तुम बस शादी से बच जाए। तो 50 को इस लिख सकते हैं, ताप का अंतर बाबू है, तो बाबू 100 मान लेते हैं, एगो बाबू कितना मान लेते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, 150 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 50 का अंतर पूरा देना है, किसी भी हालत में 50 का अंतर पूरा देना है। आप देखो बाबू 100 डिग्री और 50 डिग्री में 50 का अंतर है कि नहीं है, आप देखो मेरे भाई। तो इसको क्या करते हैं, फॉरेनहाइट में चेंज कर लेते हैं। तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस का फॉरेनहाइट में कितना, 212 होता है, तो बाबू 212 लिख दिया आपने, छोड़ो ना, क्या दिक्कत होता है बाबू, है ना। आप 50 डिग्री सेल्सियस का मान भी निकाल के सिखाए थे तुमको, 122 नहीं समझ आया बाबू, समझा दिए अंतर को निकालना, 122 कर दिए, नहीं समझ आया, 122 फॉरेनहाइट अंतर निकालने के बाबू कितना हो गया तुम्हारे, तुमको 80 90 ना, अरे 011 में तुम तो 9 हो जाएगा, 90 फॉरेनहाइट का हो गया आंसर, 90 फॉरेनहाइट, नहीं समझ आया। बोलेगा सर जी ये तो दिया हुआ था, आपने मान सॉल्व किया था तो आपने जल्दी बता दिया, क्या परीक्षा में उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या सारे मान को सोचना पड़ेगा, तू चाहेगा तो नहीं भी सोच पाएगा। देखो कैसे बाबू, देखो ताप का अंतर पूछेगा तो एक बार तुमको राह पर उपाय बताते हैं। आप देखो बाबू कैसे, दोनों बाबू कितना अंतर है, 100 डिग्री सेल्सियस का, देख रहे हो तो में कितना का अंतर है, 100 डिग्री सेल्सियस का, किसमें कितना का अंतर है फॉरेनहाइट में, 180 फॉरेनहाइट का, बोलो तो सी बराबर 180 बटे में 100 लिख सकते हैं क्या, बोलो, अरे बोलो मेरे भाई, काटेंगे तो तुम्हारा 9 5 नहीं हो जाएगा क्या, अरे एक सी बराबर 9 बटे में 5 नहीं होगा क्या, बोलो। आप देखो मेरे भाई, धुआं धुआं उड़ा देंगे, ये टाप का अंतर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो बाबू को किसे पूछना है, फॉरेनहाइट में पूछा है। तो देखो फॉरेनहाइट में हुआ कितना होता है, सी बराबर 9 बटे में 5 होता है ना जी। तो बाबू क्या लिख देंगे, सी व 80 कटाएंगे, सी का मान कितना दिया, 9 बटे में 5 दिया है, काटेंगे बाबू 10 हो जाएगा, ये तुम्हारा 90 हो गया आंसर। फिजिक्स पढ़े बैक की तरफ, लेसन में आया वो, यहाँ फॉरेनहाइट को चेंज करना रहता तो क्रॉस गुणा हो जाता, उल्टा गुणा करके बनाते, समझ में आया, अच्छे समझ में नहीं आया, थके पके रह गए लोग, देखो अयो जो कैसे जल्दी जल्दी बन गया। देखो बाबू ध्यान से ले भाई, डेल्टा टी का मान कितना दिया है आपको, 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, ठीक है। अब बोले यही ताप का अंतर फॉरेनहाइट में ज्ञात करना है, यही ताप का अंतर
फॉरेनहाइट में ज्ञात करना है। आपने सुना कि हमको फॉरेनहाइट में मास्टर साहब बोल रहे हैं, तो बाबू देखो इसमें कितना का अंतर है 100 डिग्री सेल्सियस का, बोलो इसमें कितना का अंतर है 180 डिग्री का अंतर है, यानी बाबू 100 डिग्री सेल्सियस को क्या देते हैं, देखो बाबू 100 सी बराबर 180 फॉरेनहाइट होगा किलो का, बोलो बोलो, अरे दोनों बराबर है ताप का अंतर तो बड़ा होगा किलो का, बोलो बोलो ना होगा कितने होगा, तो देखो सी बराबर 180 बटे में तो बड़ा क्या हो जाएगा 100 नहीं हो जाएगा, काटेंगे बाबू तो 9 बटे में 5 फॉरेनहाइट नहीं हो जाएगा, बोलो वही एफ का मान निकालने के लिए बोलेगा तो तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा 100 बटे में 180 हो जाएगा, अरे बोलो काटेंगे बाबू 5 बटा में 9 नहीं हो जाएगा, नहीं समझ आया, यानी मेरे कहने का मतलब है तो ताप का अंतर 50 डिग्री सेल्सियस किया हुआ है तो वही ताप का अंतर फॉरेनहाइट में ज्ञात करना है, तो फॉरेनहाइट में वो मान क्या होता है, देखो सी का मान, तो सी का मान जो चीज दिखा रहेगा उसका मान दिया रहेगा, तो सी का मान कितना दिया 9/5f, देखो बाबू 50 लिखेंगे और सी का मान कितना है 9/5f, तो 9/5f लिख दो यहाँ पे, काटेंगे बाबू 10 रुपए के 90f हो जाएगा, समझ में आ रहा है, बोलो जी सर, समझ में आ रहा है आपको, भारी लग रहा है फिजिक्स, अरे फिजिक्स भारी लग रहा है बोलिए, बहुत खराब बात है, चलो बाबू देखो फिर लिखो क्वेश्चन, अरे फिजिक्स बहुत तगड़ा पढ़ाई होता है, लिखो दो पिंडो का ताप का अंतर, सभी लोग नोट्स बनाएंगे फिर को भी चेक होगा, नहीं होने पर हाथ लाल कर दिए जाएंगे, लिखो दो पिंडो का ताप का अंतर 300 फ़ारेनहाइट है, तो वही ताप का अंतर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो वही ताप का अंतर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, दो पिंडों का ताप का अंतर 300 फ़ारेनहाइट है, तो वही ताप का अंतर फ़ारेनहाइट में क्या होगा, सॉरी सेल्सियस में क्या होगा, फ़ारेनहाइट लिखा ही था ना, सेल्सियस में क्या होगा, सेल्सियस में क्या होगा, सेल्सियस में क्या होगा, क्या होगा देखते हैं बाबू, एकदम सरल तरीके से बताए जाते हैं, कितना आसान तरीके से इसको बताया जा रहा है, रे आसान तरीका, सबका आसान तरीका है, कौन बोला फिजिक्स भारी होता है, देखो बाबू हो गया ये, चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन बनाते हैं, डेल्टा टी बराबर कितना दिया मेरे भाई 300 फ़ारेनहाइट दिया है, ठीक है देखो ध्यान से देखो तभी सीख पाओगे, ध्यान से नहीं देखोगे नहीं सीख पाओगे, अरे बासठी है तो क्या हो गया, तुम्हारे लेवल कहीं और के संस्थानों से बेहतर रहेंगे यदि मन से पढ़ोगे, तब बच्चे पर डिपेंड करता है बच्चे कितना पढ़ता है, संस्थान पर निर्भर नहीं करता है, हम लोग तुमको बाबू पढ़ा देंगे बस, पढ़ा दिए और घर पे तुमको मेहनत करने हैं, आप तो जहाँ के बच्चे जितना मेहनत करते हैं, अरे पटना वगैरह के भी पढ़ाई किए हैं हम लोग, खुद ज़्यादा मेहनत किए हैं, कोचिंगों पर निर्भर होकर नहीं मेहनत किए हैं, कोचिंग वाले तो तुमको बोलने किए हैं, हम ही चाहे कहीं नहीं हम भी कोचिंग वाले, हम भी तुमको यही बात बोलते हैं, हमारे कोर्स खत्म बस खत्म, तो मेरे समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे कोई मतलब नहीं मुझको, हालांकि हम लोग बाबू जरा समझाते हैं अलग बात है, लेकिन बाबू ऐसा होता है तुमको जरा मदद करनी पड़ेगी, तो बाबू 300 फ़ारेनहाइट है वही ताप का अंतर बाबू किसमें निकालना है हमको, डिग्री सेल्सियस में निकालना है ना, डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो बाबू तुमको कुछ नहीं करना है, तो एफ को सी में बदलना है, तो नीचे वाला से गुना करेंगे 5/9 से गुना करेंगे कि 9/5 से गुना करेंगे, हो गया बात खत्म, अरे देखो ना एफ दिया है तो बाबू सी में हमको जाना पड़ेगा, तो बाबू सी तो तुम्हारा यहाँ ना है, जो लिखा रहेगा उसका मान रखना है तुमको यहाँ, तो एफ कितना दिया 300, आप किससे गुना करेंगे, तो वो एफ का मान कितना दिया 5/9, 5/9 से गुना कर दे, गुना भाग करेंगे कितना आता
24 तो सब लोग दो पाँच हो गया। सुनिए मेरे भाई, कितना लाया था, क्या भारी लग रहा है आपको, अब समझ रहा है, समझ रहा है सबको, बोलो बाबू। अब की बार फिजिक्स पे पढ़ा तो बाबू बोले एनडीए सीडीएस किसी का क्वेश्चन हो तुम्हारे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, वादा है तुमसे। डेल्टा टी बराबर दिया है तुम्हारा बाबू इस बार, कुछ लिख देते बाबू 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वही ताप का अंतर हमको केल्विन में निकालना है, केल्विन में क्या होगा, आप क्वेश्चन बाबू लिख रहे हैं यही पर समझना है। ताप का अंतर 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, वही ताप का अंतर केल्विन में ज्ञात करना है। चलो निकालो तो आप कोई मतलब नहीं है, देखिए देखिए रेखा देखिए, आप दिमाग कहीं और लगा लेते, देखिए डेल्टा के है ना, आप हमको सेल्सियस का केल्विन पे ध्यान रख रहे हैं, देखो सेल्सियस यहाँ है तो वो 100 का अंतर है, केल्विन जरा यहाँ है कितना का अंतर है देखते हैं, या बाबू 100 का ही अंतर है, अंतर निकालेंगे तो 100 सी बराबर 100 के, बोलो ना काटेंगे बाबू तो सी बराबर के ही हो गया, अरे दोनों का भाव तो बराबर ही है, अरे ताप का अंतर जितना सेल्सियस में होगा उतना ही केल्विन में होगा, अरे ऐसा समझो बात, अरे सेल्सियस केल्विन का भाव सेम टू सेम होगा, बोलेगा दो पिंडों का ताप का अंतर 80 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा 80, बोलता है कि दो तापमानों का अंतर 50 केल्विन है तो सेल्सियस में कितना होगा 50 केल्विन, 50 सेल्सियस हो गया, खत्म। नहीं समझ जी, समझ रहा है, अरे बोलो समझ रहा है कि नहीं रहा है, बोलो समझ रहा है बाबू, तो ये तुम्हारे ये कॉन्सेप्चुअल तो कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, लेकिन बाबू इससे भी बना सकते हो, तुम्हें ज्यादा फायदा करेगा, नहीं समझ में आया, बोलो नहीं समझ रहा मेरे भाई, ये समझ रहा है ना, आप लिखो खाली बाबू को समझ रहा है, तो लिखो क्वेश्चन, लिखो दो पिंडों का ताप का अंतर, इस बार तुम लोग बोल दो क्या दे दे, दो पिंडों का ताप का अंतर क्या दे, बोलो जल्दी से, 295 केल्विन है, 295 केल्विन है, 295 केल्विन है, 295 केल्विन है, तो वही ताप का अंतर, तो वही ताप का अंतर 400 पे ज्ञात कीजिए, तो वही ताप का अंतर 400 पे ज्ञात कीजिए, तो वही ताप का अंतर 400 पे ज्ञात कीजिए, तो वही ताप का अंतर 400 पे ज्ञात कीजिए, तो वही ताप का अंतर 400 पे ज्ञात कीजिए, तो जस्ट लाइक अ मैथ है बाबू, ठीक है ना, आपकी मैथ अच्छी है तो ये फिजिक्स ही बच जाएगा आपको, हमारे जब मैं दरभंगा में पढ़ता था तो हमारे सर एक ही बात बोलते थे, लड़कियों को फिजिक्स नहीं आता है तो लोग बोलते थे कि रटो, ये बाबू कोई बड़ा चीज़ है, आप थोड़ा सा परसेस रहेंगे तो आप सीख जाओगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, चाह होनी चाहिए पढ़ाई करने, अब ये मतलब बता नहीं सकता भाई, इतना कैलकुलेशन में तगड़ा नहीं है, देखिए देखो बस आके बोलो, देखो पहले हमको क्या बोला क्वेश्चन, डेल्टा टी का मान कितना दिया है, फॉरहेड में कितना दिया है 295 केल्विन दिया है,
दो डिग्री डिग्री केल्विन में नहीं होते हैं, इसलिए केल्विन लिख दिया। इसको हम किस में चेंज करना है हमको, फारेनहाइट में। तो पहला दीवार क्या लगाना है कि के से एफ जाना है, तो के और एफ में रिश्ता देखना है। देखो इसमें कितना का अंतर, 100 का अंतर, 100 केल्विन बराबर 180 एफ। देख रहे मेरे भाई लोग, देखते हो बाबू लोग, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे में 100 हो जाएगा। बोलो काटेंगे बाबू, एक तो 9 बटे में 5 हो जाएगा, के बराबर 9 बटे में 5 हो गया, क्यों क्या बोलो, बस हो गया 295 कूटे 9 बटे में 5 हो जाएगा, काटेंगे बाबू 5 25 क्या आपको भारी लग रहा है, क्या आपको भारी लग रहा है, आप लिखो ये बाबू सीखे तीनों, ये तीनों सीखे आप। देखो इसका 2 यूनिट छुटा हुआ था, इसको भी लिखो, इसको भी जाना है बाबू, आप क्लियर क्लियर। देखो अभी हम तुमको बस पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे एक टॉपिक पे, किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन बाबू थोड़े नहीं छूटते हैं। 1500 जो भी क्वेश्चन रहे देखो बाबू, एक बता तुम्हारा रीपर कहते बाबू रीपर, एक बता तुम्हारा रैंकिंग बाबू, रैंकिंग होता है, ये भी एक तुम्हारा यूनिट है। अब देखो बाबू इसका क्या होता है, देखो घबराने का नहीं। अब देखो बाबू ये तुम्हारा क्या था, फिजिक पॉइंट था, देखो ये भी तुम्हारा 0, उसको R से लिखते हैं, ठीक है ना, R से लिखते हैं, O R नहीं है, O R नहीं है। अब ये तुम्हारा 0 है, ये तुम्हारा R है, ये बाबू कितना होता है, 80 आर होता है, ठीक है। तो लोग 12 नहीं पढ़े हो क्या, इसको 10 ही पढ़ाई होता है, 80 आर होगा क्यों बाबू, बोलो यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखते हैं ये बाबू होता है तुम्हारा 492, इसको आर एस लिखते हैं, हाँ आर ए 492 आर ए, ये तुम्हारा बाबू हो जाता है 672 आर, ठीक है। सारे से बाबू रिश्ता निकाल सकते हैं हम लोग। आप देखो मेरे भाई, ये आर है तो हमने उसको आर लिख दिया, ये आर ए है तो आर ए लिख दिया, देख रहे हो, देख रहे हो, ये जो धस रहा है। देखो आर बराबर 0 बट्टे बाबू कितना आता, कितना का, 80 का लिख दिया। आप देखो बाबू आर ए माइनस 492 क्या हो गया भाई, उल्टा हो रहा है, 492 0 8, हम बोले थे 180 होता है, तू बोल में नहीं किया, देखो 180 होगा बाबू, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है यार, मतलब फिजिक्स पता है वो सही हो गया था बोले कि देखो 492 आ रहे हैं, 672 बाबू आ रहे होगा कि नहीं होगा बोलो, ठीक है। आप देखो ये रिश्ता तुम्हारा हो गया, आप देखो जब इसको भी काटेंगे बाबू, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 पाँच से काटेंगे बाबू, तो ये भी तुम्हारा कितना जाएगा, किससे काटेंगे, 20 से काटेंगे ना, 20 चौक 80 तो बाबू पूरा का रिश्ता कैसे हो जाए, देखो आप सी बाई 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे में 9 के माइनस 273 बटे में 5 बराबर आर माइनस 0
बटे में चार बराबर आर ए माइनस 492 बटे में 9 हो जाएगा। ये तुम्हारा रिश्ता आया, ये तुम्हारा पूरा यूनिट का फॉर्मूला है। ये सारे बाबू आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मालूम है एक बार परीक्षा खोल के क्वेश्चन पूछ दिया, परीक्षा बाबू क्वेश्चन खोल के पूछ देता है, खबर के पूछे तो बाबू दिक्कत हो जाता है। दो क्वेश्चन कैसे पूछा था आप देखते हैं बाबू। हम मान लेते हैं बाबू एगो घर है, क्या है ये घर, समझो कि अपना ही घर है, मतलब कोचिंग है पटना एकेडमी, पटना एकेडमी बास्टी, ठीक है बाबू बास्टी है, ठीक है। इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर तुमको ना 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको ना 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और इसको चेंज करना है आपको, 50 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है दुर्गेश में, दुर्गेश डिग्री में चेंज करना है, दुर्गेश सर के डिग्री में चेंज करना है। अब देखो बाबू दुर्गेश सर का वैल्यू दिया हुआ है, दुर्गेश सर का जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम होता है बाबू 0 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम होता है बाबू 20 डिग्री सेल्सियस, ये मैक्सिमम है, ये तुम्हारा जीरो है। आप बना दो, तो दिमाग जितना पढ़ाया है उसी का निचोड़ है ये, तो कुछ नहीं समझ पाया क्वेश्चन बाबू क्या कर रहा है कि अपने कोचिंग का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो उसको दुर्गेश सर में, दुर्गेश सर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। कुछ भी लाओ, तुम्हारा नाम भी लिख सकते हैं आप, जीत का नाम भी ले सकते हैं, किसी का नाम बाबू यहाँ पे आ सकता है। अब दिक्कत क्या है ना कि ये मिनिमम पॉइंट दिया है कि मेरा जो फिजिक पॉइंट है, तो बाबू हम जीरो पे बाबू जम जाते हैं और 20 से बाबू खुल जाते हैं, ये मेरा मिनिमम मान दिया हुआ है। आप तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम बना दोगे, नहीं है तो ढाल पीटोगे, जैसे पीटा शुरू हो गया। ये कौन सी से हम बोले इधर पिता है बना दिए, कितने बाबू कर दिखाया, अरे मेरे बदलना है उसको, मेरे वैल्यू बताओ कितना आएगा। हाँ मन गया, ये बाबू फिजिक्स है, फिजिक्स का जलवा देखो, गाना स्टार्ट हो गया, हो गया ना जी, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। देखो बाबू आपके पास दिमाग है, होना भी चाहिए। आप देखो बाबू हमने आपको क्या कहा कि ये तुम्हारा मान है, डिग्री सेल्सियस बाबू 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, बोलो बोलो। हमारा डी का मान कितना दिया है, कितनी दी है बाबू, डी होगा बाबू यार, डी होगा, ठीक है ना। डी का बाबू वैल्यू क्या बोले थे कि मेरा मेरा बड़ा बोल रहे थे सी लिखा गया, तो बात नहीं, मेरा वैल्यू हुआ कितना दिया है 0 डिग्री, 0 डी दिया हुआ है, और आपका बाबू ये 20 डिग्री डी दिया हुआ है। फार्मूला कैसे बनाते हैं, कथा फार्मूला बनाते हैं सी माइनस 0 बटे दोनों का अंतर, देख रहे हो। फिर बाबू देखो डी माइनस 0 बटे में 20 नहीं होगा, बोलो दोनों का अंतर 20 नहीं होता है, तो 20 पंचे 100 हो गया। अरे सी का मान कितना दिया था 50, तो 50 बटे में 5 बराबर डी दे जाएगा बाबू, डी बटे में 1 नहीं होगा, काटेंगे बाबू 10, अरे डी कितना देगा बाबू 10, अरे हम मेरे मान वैल्यू कितना जाएगा तुम्हारा 10 डिग्री डी हो जाएगा। ये बोलो सजवाया कैसे बनाती है, यही तुम्हारा बाबू फार्मूला निर्माण करना सिखाया जाता है। कहते हो फार्मूला निर्माण नहीं करोगे ना पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, हम आशा करते हैं कि आप बचपन से इतने बड़े होंगे इस तरीका नहीं सीखे, हम आशा करते हैं कि सही बात है, बोलो सिखा दो तू पहले, हाँ सही बोला, बस इतने सीख रहे तो एक बार से पढ़ चुका है। हो गया, एक बार बाबू चलो हम लिखते हैं,
देखो बाबू पूरा बास्ती है, ये क्या है? बास्ती है। बास्ती का टेम्परेचर बाबू 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसको ना अभी डिग्री में चेंज करना है, अभी टेम्परेचर में चेंज करना है, ठीक है। अमित टेम्परेचर में चेंज करना है उसको, अब देखो अमित में चेंज करना है तो अमित का जो मिनिमम मान है, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है बाबू 0 लिखे तो बाबू सीखने से मतलब बाबू ना मेरे को 0 अमित है, ठीक है। जबकि बाबू ये तुम्हारा है, इसका जो मिनिमम है वो दिया है तुम्हारा 10 10 10, इसको आप कैसे करते हैं 10 डिग्री, इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। इसको बाबू कर देते हैं तुम्हारा 30 30 30 अमित कर देते हैं। तो बताओ अभी में कितना बार होगा, यदि बाकी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो अभी में कितना बार होगा, तो अभी में कितना बार होगा? फेर होना चाहिए कभी पे पढ़ाई की हो, मर गया इसलिए भारती बाबू नया होता है, मर गया। दो बात देखो, किसी का नाम हो सकता है बाबू यहाँ पे, अभी पूरा तो अभी लिख दिए। देखो बाबू 25 है ना, ओए देखो 25 है। अब देखो बाबू तो सेल्सियस दिया हुआ है तो जानते हैं सेल्सियस बाबू क्या होता है, 0 और क्या होता है तुम्हारा 100 होता है ना। इसका फॉर्मूला बाबू क्या होता है, सी बटे में 5 याद ही है बाबू तो क्या बार बार लिखना। इसका बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, नहीं बाबू इसलिए लिख देते हैं सी बटे में 100, बाद में काटेंगे ना उसको। तो ए माइनस बाबू कितना हो जाएगा 10 होगा, क्यों बोलो ए माइनस 10 बटे में दोनों का होता है 20 का, तो काटेंगे बाबू हो जाएगा 5 हो जाएगा जी। सी बटे में 5 बराबर ए माइनस 10 बटे में 1 हो जाएगा। सी का मान कितना दिया है, 25 दिया है, तो जब 25 दिया है तो 25 बटे में 5 काटेंगे बाबू हो जाएगा तुम्हारा 5 बराबर ए माइनस 10, ए बराबर 15 अमित अभी सुबह आइए गया है 15 अमित मिश्र भाई आया, मिश्र भाई जी ले देते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।